अर्थवर्म डज नॉट हैव, अर्थवर्म में कौन सी चीज एब्सेंट है? अर्थवर्म में एक डिस्टिंक्ट हेड एब्सेंट है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन बिल्कुल होता है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एक डिस्टिंक्ट हेड इसमें एब्सेंट होता है, क्योंकि इसमें मेरे पास मेजर मेजर क्या है, यहाँ पे मेरे पास स्टार्टिंग में प्रोस्टोमियम होता है, प्रोस्टोमियम, देन माउथ, माउथ के बाद में प्री क्लिटलर रीजन, प्री क्लिटलर रीजन ये हम अभी डिस्कस करेंगे, देन क्लिटलम, क्लिटलम एंड देन पोस्ट क्लिटलर रीजन। तो ये रीजन्स इसकी बॉडी डिवाइडेड होती है, कहां से? एक माउथ सर्कुलर ओपनिंग है माउथ की, उसके ऊपर एक ऐसे स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, हल्का सा झूल रहा है ना, वो कोई सेगमेंट, ट्रू सेगमेंट नहीं है, वो क्या है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम, जो इसके माउथ को डॉर्सली कवर कर लेता है कुछ इस तरीके से, जैसे बर्ड्स में बीक होती है, तो अपर बीक वाला स्ट्रक्चर जो है उसको माउथ को कवर कर लेता है इस तरीके से, और नीचे सर्कुलर माउथ प्रेजेंट है, ये इसकी बरोइंग में मदद करता है बेसिकली, और माउथ को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो प्रोस्टोमियम माउथ, और माउथ के बाद क्लिटलम जो है इसकी बॉडी में, क्लिटलम से पहले का रीजन प्री क्लिटलर एंड क्लिटलम के बाद का रीजन इज पोस्ट क्लिटलर रीजन, ठीक है। तो पोस्ट क्लिटलर एंड प्री क्लिटलर डिस्क्राइब्ड है इसकी बॉडी और माउथ बेसिकली। तो इसमें एक डिस्टिंक्ट हेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसा हमें फ्रॉग में देखने मिलता है, जैसे कॉकरोच में देखने मिलता है, जैसे हमारे खुद के अंदर देखने मिलता है, अदर हायर ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, उस तरीके से इसमें कोई भी डिस्टिंक्टिव हेड देखने नहीं मिलता। सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन नंबर ए।